दोस्तों घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है, सभी लोग चाहते हैं घूमना, लेकिन सभी लोग एक अच्छी डेस्टिनेशन की खोज में रहते हैं कि कहाँ जाएं आखिर। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ जाना हर किसी का सपना होता है। अगर आप भी इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों ऐसी पहली जगह जहाँ हर कोई जाना चाहता है वो है जयपुर का रामबाग पैलेस, जो एक शानदार रॉयल पैलेस है। इस पैलेस की खास बात यह है कि यहाँ पे एक रात बिताने के करीबन 10 लाख रुपए लगते हैं, जो एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर क्या खास है इस पैलेस में। जितनी सारी फैसिलिटीज आप सोच सकते हैं उतनी सारी फैसिलिटीज यहाँ मौजूद है, और शायद ये भी हो सकता है कि आप जो सोचे भी ना हो वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हो। 47 एकड़ में बना ये आलीशान होटल बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित है। दरअसल इस महल में पहले एक महाराजा रहा करते थे जिनका नाम मानसिंह था, और उनकी पत्नी यानी महारानी गायत्री देवी रहा करती थी, और ये इंडिया की सबसे खूबसूरत महारानियों में से एक थी। दोस्तों इस महल में जाते ही आपका स्वागत किसी राजा महाराजाओं जैसे किया जाता है। इस खूबसूरत महल में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है, स्विमिंग पूल है, जिम है, और बहुत ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिससे आपको महाराजाओं जैसी फीलिंग आती है और आप बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस फील करते हो। इसमें रेस्टोरेंट सेक्शन बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें आपको बहुत अलग अलग तरह की डिश सर्व की जाती है, जो कि बहुत ही हाइजेनिक होती है। सोने की थालियों में आपके डिश को परोसा जाता है, जो लग्जरी फील कराने के लिए काफी होता है। यहाँ की खास बात यह है कि आप अपने घरों की शादियां यहाँ पर आयोजित कर सकते हो, लेकिन बिल कितना बनेगा ये तो अलग बात है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पे जरूर आना। दूसरी ऐसी जगह जो स्वर्ग से कम नहीं है वो है साउथ एशिया में स्थित मालदीव्स, जो एक आइलैंड है और बहुत ही खूबसूरत जगह है जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ का नजारा इतना सुंदर है कि इस खूबसूरती को कोई बोलकर बयां नहीं कर सकता। चारों तरफ से समुद्र से घिरा ये आइलैंड लगभग 820 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, जबकि 130 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की तरफ। यहाँ देशों विदेशों से अलग अलग लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ पर समुद्र के बीचों बीच डिनर करने का अलग ही मजा है। रातों में यहाँ का नजारा बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। ये नजारा इतना अच्छा होता है कि आप अपनी पुरानी दुखों को भुलाकर बस इसी का मजा लेने लग जाते हैं। यहाँ समुद्र और आसमान एक ही कलर का लगता है, क्योंकि यहाँ समुद्र बहुत ही नीला है, जो शायद ही कहीं हो। यहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा दी जाती है, और समुद्र के बीचों बीच सोने का कुछ अलग ही मजा है। इस खूबसूरत जगह पे आने के बाद आप इस जगह को बार बार याद करोगे और आपको बार बार आने का मन करेगा। बहुत सारे लोग कभी भी मालदीव्स आ जाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि मालदीव्स ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट महीना दिसंबर से अप्रैल तक का होता है, क्योंकि बाकी महीनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं होती है, जो कि आपके ट्रैवल को वर्थलेस बना सकता है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बाकी आपकी मर्जी।